बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज रात और आने वाले 24 से 36 घंटों और कल हफ्ता 4 मई के दौरान मुल्क भर में कहां-कहां मौसम अबरालूद रहने के साथ बारिशों का इम्कान, इसके मुतालिक अपडेट लेकर हाजिर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौजूदा मौसम और आज रात के दौरान मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा, इस रिपोर्ट पर एक नज़र। मौजूदा मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अबरालूद है। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से कहीं हल्के तो कहीं पर गहरे बादलों का गुजरने का सिलसिला जारी है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम अबरालूद है। मौजूदा मगरबी सिस्टम से सिर्फ इस वक्त बलूचिस्तान के चंद मकामात पर हल्की बारिश हो रही है। आने वाले चंद घंटों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक वाले बादल बनने का अमल शुरू होगा। शाम रात तक बादल ताकतवर होकर बारिश का सबब बनेंगे, जिसके बाद आज रात तक कोयटिया, चमन, पश्चिम मस्तूंग, ज़ियारत मच, नौशकी, मुस्लिम बाग, हरनाई, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, बारखान, कल्लात, सोराब, खुस्तार, खैबर पख्तूनख्वा, मेवाना, बनू मकीन, मीरानी, शाथल, लकी मरवत, टोंक, हंगू, कोहाट, पेशावर, पारा चिनार, मर्दौन, सुवाबी, चारबाग, मालाकंड, दीर, चित्राल, सोवात, एबटाबाद, कालोम, दुरूश, पंजाब में इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, कलरसीदान, अटक, चकवाल, झेलम, कलरसीदान, सियालकोट, कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, स्कर्दू में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं दरमियानी सी तेज़, बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। बाकी कराची समेत सिंध भर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोधा, भावलपुर, डीजी खान, बखर, लैया, चोलिस्तान समेत पंजाब के दीगर कई शहरों और जनूबी मगरबी बलूचिस्तान में मौसम अबरालूद रहेगा, बारिश का इम्कान नहीं। कल हफ्ता 4 मई के रोज़ मुल्क भर के अक्सर इलाकों में मौसम साफ खुश्क रहेगा। शुमाली बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, बाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली और बालाई इलाकों और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मज़ीद लाइटमीन थंडरस्टॉर्म बारिशों के मुतालिक मौसम का हाल जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत शुक्रिया।